मेरे मत छोड़। इंदौर में एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो कि फर्जी जमानतदार इकट्ठे करता है और उनका इस्तेमाल करके अपराधियों की फर्जी जमानत करवाता है। इस मुखबिरी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच के द्वारा 4 लोगों को पकड़ा गया है। उनसे लगभग 1000 के लगभग ऋण पुस्तिकाएँ मिली हैं, खाली पुस्तिकाएँ, और लगभग 100 उनसे भरी हुई ऋण पुस्तिकाएँ मिली हैं। लगभग 1000 के तादाद में फटे हुए ऋण पुस्तिकाओं के पर्चे मिले हैं जो कि बार बार इस्तेमाल की जा रही थी एंट्री करके। इसके अलावा बहुत सारे कार्यालयों की, बहुत आसपास के ज़िलों के, तहसीलों की सीलें मिली हैं। तो ये पूरा नेटवर्क जो था, ये आसपास के ज़िलों की ऋण पुस्तिकाएँ बनाकर और उनके उन पर जमानतदार खड़ा करके इस तरह से रैकेट संचालित हो रहा था। इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें जो मुख्य आरोपी है वो पूर्व में भी उनके पकड़े जा चुके हैं और उन पर केस चल रहा है, आगे की विवेचना जारी है। इसमें जो प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि जमानत दार उपलब्ध कराने के लिए जो भी जमानत की राशि लिया उससे फरियादी से ली जाती थी, उसका ये एक पर्टिकुलर परसेंटेज दिया करते थे जमानतदार उपलब्ध कराने के लिए। ऋण पुस्तिकाएं जो ये बना रहे थे वो इतनी सफाई से बना रहे थे कि उस पर उसका अवलोकन हमने भी किया है, तो उस पर ऐसा कोई, उस पर शक करने का कोई आधार प्रथम दृष्टया नहीं आता था, परंतु इसमें जैसे जैसे और विवेचना आगे होगी तो इसमें अन्य और तथ्य भी सामने आएंगे। इनका इन्होंने नवीन मार्केट के पास में, नोवेल्टी मार्केट के पास में इनका अपना एक ठीहा था, वहाँ पे ये फ़ोन के माध्यम से इनका पूरा नेटवर्क था, इनसे संपर्क करते थे और अपने पूरे इसको गिरोह की कार्रवाई को अंजाम देते थे। मुख्य संरक्षण इसमें प्रकाश नाम का व्यक्ति है, वर्तमान में वो किसी वारंट में वो जेल में है, और उसका भतीजा है कर्ण, वो भी इसमें आरोपी है। साथ में हमको 3 ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनके नाम पर कई तादाद में ऋण पुस्तिकाएं बनी हुई प्राप्त हुई हैं। ये सभी इंदौर के रहने वाले हैं। इसमें ये विवेचना का तथ्य है, इसमें आगे विवेचना के आधार पर ये क्लियर हो पाएगा कि इसमें और कौन कौन शामिल थे। ये जो जमानत की पूरी प्रक्रिया होती है और जो इसके इसमें किन किन लोगों का इसमें पूरी जमानत की प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन रहता है, उनसे विस्तृत पूछताछ के उपरांत ही ये स्पष्ट हो सकेगा। ये इसमें जो 3 जो पकड़े गए हैं वो ग्रामीण परिवेश के हैं और वो वहाँ पे जमानतदार के तौर पे उपस्थित हुए थे, इनकी ऋण पुस्तिकाएँ बनाई जा रही थी, और उसमें जो मुख्य आरोपी का जो साथी उसमें एक साथ में पकड़ा गया है वो यही इंदौर का है। उस संबंध में पूछताछ चल रही है। निश्चित ही जिन जिन ने इस कृत्य में इनका सहयोग दिया है वो उसमें आरोपी बनाए जाएंगे। ये विवेचना का विषय है, इस संबंध में जो है कार्रवाई उपरांत आपको अवगत कराया जाएगा। इसमें अधिकतर जो है वो तहसील की जो सीलें बनाई गई हैं, आसपास के जितने जिले हैं उन सब के जो अलग अलग जो तहसील स्तर के जो जगह होती हैं उसकी इन्होंने सीलें बना रखी हैं, जिससे कि ऋण पुस्तिकाओं में जो है किसी को इस बात का शक ना हो कि ये ऋण पुस्तिका सही जगह से नहीं बनी हुई है।